नमस्ते फ्रेंड्स, हाय। वी हर्ड ऑफ दिस वर्ड चेंज सो मेनी टाइम्स, राइट? वी ऑल नो चेंज इज द ओनली थिंग दैट इज परमानेंट। हर चीज बदलती रहती है, हम बदलते रहते हैं, हमारे अंदर की सेल्स बदलते रहते हैं, हमारे विचार बदलते रहते हैं, सब कुछ कॉन्स्टेंटली बदलता रहता है। बहुत सारी चीजें तो हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? चेंज में एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है चेंज के रेजिस्टेंस में। वी रेजिस्ट चेंज, इसके लिए प्रॉब्लम है। सो इफ यू डोंट रेजिस्ट चेंज, इट इज वेरी सिंपल। शुरुआत में जब हमको अगर घर बदलना है, नौकरी बदलनी है, ऑफिस बदलना है, यहां से कहीं और सेटल होना है, बॉम्बे से जाके आपको दुबई में सेटल होना है, अमेरिका में सेटल होना है, अपरूट करके, तो पहले हमको लगता है ओ माय गॉड, आई मीन कैसे मैं एडजस्ट करूंगी वहां पे, मुझे नहीं पता ये वो, मुझे अभी यहाँ पे स्टाफ की इतनी आदत हो गई है, मैं जरा बेल दबाती हूँ तो मेरे पानी हाथ में आ जाता है, इतनी सारी सुविधाएं यहाँ, यहाँ से अपरूट होके कहीं आउट ऑफ इंडिया जाओ तो वहां पे मुझे हेल्प नहीं मिलेगी, खुद कोई सुविधा नहीं होगी, तो मैं कैसे करूंगी? तो चाहे कितनी भी अच्छी जॉब मिलती हो आपको, यहाँ पे अगर सपोज 1000 रुपए की जॉब आपको मिलती है, वहां पे 10,000 की मिल रही है, इतना डिफरेंस है, फिर भी चेंज के लिए आपकी तैयारी नहीं होती। सो चेंज एक्चुअली इज नॉट बैड एंड इट्स नॉट पेनफुल। द रेजिस्टेंस जो हम करते हैं चेंज के लिए, दैट इज पेनफुल। कई मरतबा हमारा स्टाफ जब गांव जाता है एक एक महीने के लिए, दो दो महीने के लिए, तो कभी कभी कोई और दूसरे कोई किसी बंदे को रख के जाते हैं, बोले तो कई बार ऐसे होता है वो जो सब्स्टिट्यूट है इज बेटर देन द ओरिजिनल। हम चिल्लाते हैं इनके ऊपर, क्या दो दो महीने तक जाते हो, चार चार महीने तक जाते हो, ये वो, हमारा कैसे होगा, ये होगा वो होगा, हम चिल्लम चिल्ली करते हैं, लेकिन जो बंदा वो देके जाता है दूसरा सब्स्टिट्यूट, वो कई बार ही इज बेटर देन द ओरिजिनल। तो हम ओरिजिनल को इतना मिस नहीं करते, जा रहे हैं जाओ भाई, तुम्हारा जो बदली में आता है वो ज्यादा बेटर है तुमसे। तो हम अगर चेंज को रेजिस्ट नहीं करेंगे तो वो पेनफुल नहीं होता है। एक्सेप्ट चेंज द वे इट कम्स। अभी देखिए कोविड के बाद में कितना सडनली चेंज हो गया ओवरनाइट। 3 महीने सब तो लॉकडाउन था, हमको सबको मालूम है, कोई कहीं नहीं जा रहा था, कुछ नहीं जा रहा था, हम सब अपने टीवी पे या लैपटॉप पे इसके ऊपर डिपेंडेंट थे। तो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म सडनली राइज हो गया, ओटीटी पे चीजें देखना एकदम सडनली हो गया, जूम पे सारी चीजें होने लगी, लाइव फेसबुक, लाइव इंस्टा, लाइव जूम, ये सारी चीजें होने लगी। उसके बिकॉज ऑफ दैट एवरीथिंग हैड बी डन ऑन जूम। आपको कहीं इधर से उधर जाने की जरूरत नहीं है। कितने सारे इंटरव्यू जूम पे होते हैं, कितने सारे क्लासेस, जैसे मैं लेती हूँ, मेरी क्लासेस सारे जूम पे हैं, किसी को फिजिकली यहाँ से वहां जाना ही नहीं पड़ता है अब। और मेरा भी एक्सपैंड इतना हो गया कि मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड आई एम कनेक्टेड टू नाउ। मेरे कितने सारे अमेरिका के क्लाइंट्स हैं, मेक्सिको हैं, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, कितने सारे बाहर के लोग हैं जो मेरे क्लासेस ज्वाइन किए हैं। दे डोंट हैव टू गो एनीवेयर, दे डोंट हैव टू ट्रैवल। इनफैक्ट मेरे लिए बहुत अच्छा पड़ा, बिकॉज जब ये फिजिकल क्लासेस में लेती थी तो मेरा दायरा सब बॉम्बे, मैक्सिमम पूना, मैक्सिमम अहमदाबाद, यहां तक से के लोग आते थे। बहुत दूर दूर से आते ही नहीं थे, आउट ऑफ बॉम्बे, आउट ऑफ महाराष्ट्र से तो बहुत ही मुश्किल। तो मेरा कितना लिमिटेड दायरा था। बट जब ये हुआ तब मैं भी सोच में पड़ गई थी, अरे बाप रे, अभी तो मेरे क्लासेस बंद हो गए, अभी मैं फिजिकल क्लासेस नहीं ले सकती हूँ 3-4 महीने, तो पता नहीं 3 महीने के बाद में, लॉकडाउन खत्म होने के बाद में भी क्या होने वाला है हाल, वी डोंट नो। हालांकि काफी चला, 1-2 साल तो वो पूरे, मतलब शादियां नहीं हो रही थी, शादियां भी जूम पे हो रही थी और सब वो सब चल रहा था। बट सडनली ये एक नई ओपनिंग मिल गई जहां से मुझे और ज्यादा लोगों से मैं कनेक्ट हो गई। सो इफ आई हैड रेजिस्टेड इट, तो मैंने मेरे दिमाग में भी ये था, मैंने जूम वूम पर मैंने कर सकती हूँ, जो ऑटोमेटिक राइटिंग भी मैं करती हूँ, पहले लोग ऐसे आउट ऑफ इंडिया वाले, आउट ऑफ महाराष्ट्र के लोग भी, आई सेड नो, यू हैव टू कम हियर। सो दोज़ हू कुड मैनेज टू कम हियर कुड मैनेज टू कम हियर, बट नॉट एवरीबॉडी वुड कम ऑल द वे टू माई हाउस, राइट? लेकिन अभी देखिए, अभी मैं किसी के साथ भी ऑटो राइटिंग कर सकती हूँ, किसी के साथ भी क्लासेस ले सकती हूँ, कितना सारा ओपन अप हो गया। Had I resisted it, जो मैं पहले ऑटो राइटिंग के लिए, तो मैंने बहुत resistance किया, इसलिए मेरे को मशीन से नहीं होता है मेरा काम, I can't do it। कितना सारा ब्लॉक था, इतना बड़ा मेंटल ब्लॉक जो मैंने निकाला, तो इतना बड़ा दायरा खुल के आ गया। सच अ बिग ओपनिंग आई गॉट, सच अ बिग ओपनिंग। सो what I'm trying to tell you is, do not resist change. Change is inevitable. उससे आप बच नहीं सकते।
सो व्हेन चेंज इज इनएविटेबल उसको एक्सेप्ट करो, डोंट रेजिस्ट. रेजिस्ट जितना करोगे उतना आपको ये बदलाव परिवर्तन लाने में डिफिकल्टी जाएगी. इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अडैप्ट टू द न्यू वेज. सो व्हेन यू हैव टू अडैप्ट टू द न्यू वेज, वो थोड़ा सा आपको बदलना ही पड़ेगा, थोड़ा सा आपके मेंटल एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा कि नहीं ठीक है ऐसा है तो ठीक है, थोड़े दिन एडजस्टमेंट के लिए लग जाएंगे. हम लोग एक क्लास से दूसरे क्लास में जाते हैं स्कूल में, जब सेकंड से थर्ड में जाते हैं, थर्ड से फोर्थ में जाते हैं, तो शुरुआत का एक हफ्ता थोड़ा सा एडजस्टमेंट में लगता है ना. फिर हम दोस्त बनाते हैं, फिर हमारे बुक्स भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, वी गेट यूज टू मोर होमवर्क, वी गेट यूज टू मोर व्हाटएवर व्हाटएवर. हर बच्चा ये करता है, हमने भी यही किया है. सो वी गेट यूज टू इट. इसीलिए तो पढ़े लिखे हैं लोग यहाँ तक. हर चीज को रेजिस्ट करते रहेंगे तो आगे ही नहीं बढ़ेंगे हम भाई. सो दिस अगेन इज अ मूलाधारा प्रॉब्लम, इट्स फियर ऑफ चेंज. अगर चेंज को के साथ फियर रखेंगे आप, डर रखेंगे या रेजिस्टेंस रखेंगे, तो देयर इज नो, यू विल नॉट इवॉल्व. यू गेट इनटू अ कंफर्ट जोन. कंफर्ट जोन में कुछ भी बढ़ता नहीं है, कोई इवॉल्व नहीं होता कंफर्ट जोन में. You have to get out of the comfort zone and you should be ready for the challenge. You should be ready for the change. कि ठीक है थोड़ा सा तो change होना ही है. अगर नहीं होगा तो मेरा ही एक limited कुएं का मेंढक के जैसी बात हो जाती है. Limited हो जाता है आपका दायरा, आपका vision limited हो जाता है. तो वैसे ही रहेंगे आप जिंदगी भर अगर बदलाव को, परिवर्तन को आप accept नहीं करेंगे तो. Resistance मत करो परिवर्तन के लिए. Change is not painful. As I'm always saying this, change is not painful. Resistance to change is painful. इस रेजिस्टेंस को आप निकाल दीजिए मन से बाहर एंड गो. चलो जाओ, मतलब निकलो बाहर. डोंट होल्ड योरसेल्फ बैक. लेट मी ट्राई, लेट मी डू दिस, लेट मी डू दिस. कुछ ना कुछ होता रहता है. अब जब तक हाथ पैर नहीं मारेंगे तब तक तो आपको स्विमिंग नहीं आएगी, ये भी बात है. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज. सो डू नॉट रेजिस्ट चेंज, एक्सेप्ट इट. है कोई आपका ख्याल रखने वाला, आपको क्यों इतनी चिंता है? कुछ तो उसके भरोसे छोड़ दो, चलो आगे कुछ करो. एक्सेप्ट द चेंज व्हाट इट इज, डोंट रेजिस्ट इट. यू डोंट नो व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर यू. अगर इसको रेजिस्ट करेंगे तो हो सकता है बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से निकल जाएंगी, फिसल जाएंगी. बिकॉज टाइम डजंट वेट फॉर एनीबॉडी. अगर आप नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही. दुनिया तो ऐसे ही चलती रहेगी, आपके लिए थोड़ी रुकी रहेंगी कोई. नुकसान आपका है, सामने वाले का नहीं है. उसको तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे फॉर दैट जॉब और फॉर दैट प्लेस और फॉर दैट व्हाटएवर. बहुत सारे लोग हैं तैयार आपकी जगह लेने के लिए. सो डोंट रेजिस्ट चेंज, एक्सेप्ट चेंज द वे इट कम्स. चेंज इज ऑलवेज ब्यूटीफुल, वेलकम इट. इट्स ऑलवेज ब्यूटीफुल. यू लर्न मोर, यू ग्रो मोर, यू इवॉल्व. इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. सो एक्सेप्ट चेंज, डोंट रेजिस्ट इट एंड डोंट बी इन पेन बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस. Namaste.